जो अपने पूरे तेवर के साथ अपनी कविता में ढले हुए थे। दोस्तों, हमारा शायर, हमारा कवि, ये थोड़ा सा तुरंत मिजाज होता है। इसके मिजाज में जहाँ लचाकत है, जहाँ नज़ाकत है, जहाँ लचक है, वही शक्ति भी है, वही गर्माहट भी है। हमारे अंजनी भाई बड़ी मेहनत कर रहे थे और बड़ी कोशिशों से आपको शेर सुना रहे थे, कविताएं आपकी समातों के हवाले कर रहे थे, लेकिन आपने उतनी ऐसे अजीम शायर को मैं आपकी समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। आप जो पूरे हिंदुस्तान के मुशायरों की जरूरत बना हुआ है, इन चार मिसरों के साथ के गम से लड़ने की मेरे पास ये तकदीर तो है, गम से लड़ने की मेरे पास ये तकदीर तो है। तू अगर पास नहीं है, तेरी तस्वीर तो है। बागे उर्दू में कदम रख ही नहीं सकती खजां, बागे उर्दू में कदम रख ही नहीं सकती खजां, ना सही मीर मगर तब दबे मीर तो है। हजरत मतलब मीर की रवायतों के अमीर, मीर की रवायतों के अमानतदार जनाब अर्श राय बरेली साहब को आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। तालियों की गूंज में आप उनका इस्तकबाल करें। पेश करता हूँ, आप सब यहाँ तशरीफ लाए, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, रायबरेली की सरजमीन से चलकर इतनी दूर का सफर मैंने किया है, इस उम्मीद के साथ कि आपके दयाल में आया हूँ कि थोड़ी थोड़ी मोहब्बतें आपकी मेरे हिस्से में लग जाएं, कि मेरे लिए भी एक यादगार प्रोग्राम हो जाए, आप मेरे लिए एक अच्छे सामयिक। एक शाम शहीदों के नाम, यहीं से मैं चार मिसरों का आगाज़ करूंगा। आपसे इतने गुजारिश करूंगा, थोड़ी देर जिंदा दिली के साथ आप मेरा साथ दे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस सुना के गुजर लें। हाँ, दोस्तों थोड़ी सी मोहब्बत भरी फिजा बनाएं, यहीं से मुशायरा और मुशायरा बना दें आप। यहाँ के रात दिन दोपहर सुबह शाम लिख देना, यहाँ के रात दिन दोपहर सुबह शाम लिख देना, मोहब्बत का वफा का पैगाम लिख देना। अगले दो मिसरे अगर सच्चे हों एक शख्स की दुआएं मिले मुझे, बहुत अच्छे। मोहब्बत का वफा का पैगाम लिख देना, मुझे जब मौत आए तो मेरी गुजारिश है तिरंगा रख के सीने पर वतन का नाम लिख दे। मुझे जब मौत आए तो मेरी गुजारिश है तिरंगा रख के सीने पर वतन का नाम लिख देना। और कुछ हालात ऐसे कुछ नाहिल अपनी जानों को कुर्बान करके हमारी हिफाजत करते हैं, और दूसरे वो लोग जो मुल्क के अंदर रहकर जो हमारे किसान भाई हैं, ये दो अजीम ताकतों को मिलाकर एक ताकतवर मुल्क बनता है जिसका नाम भारत है। मैं चार मिसरे, मैं चाहता हूँ कि वो इस स्टेज से उनको फरामोश न किया जाए, मैं उनके लिए चार मिसरे पढ़ता हूँ, सुनिए। सितम की पुष्ट पे दस्ते दराज रखा है, सितम की पुष्ट पे दस्ते दराज रखा है, कटे सरों पे हुकूमत का ताज रखा है, सितम की पुष्ट पे दस्ते दराज रखा है, कटे सरों पे हुकूमत का ताज रखा
वहां खजानों में भर कर अनाज रखा है, वहां भर कर अनाज रखा है। दोस्तों बहुत अच्छा यहाँ बहुत अजीम शख्सियतें इस स्टेज पर तशरीफ रखी हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबसे छोटा शायर मैंने इसमें क्या बात शायर क्या पढ़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ शेर पढ़ता हूँ, बस गुजारिश की मोहब्बतों के साथ। अरे ओ धर्म के नामों पे नफरत, अरे ओ धर्म के नामों पे नफरत बेचने वालों, धर्म के नामों पे नफरत बेचने वालों, भगवान रोता है। और ये शेर जिसके लिए ये बहुत सच्चा शेर है, सुनिएगा दोस्तों। जले शिवाले रोने लगते हैं, अगर गीता जला दी जाए तो कुरान होता है, अगर गीता जला दी कुरान होता है। और ये शेर है, मैं इस मंच के हवाले से पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखते हैं, मैं उन सबके लिए पैगाम देना चाहता हूँ, सुनिएगा दोस्तों। मेरे भाई अगर लड़ना है तो चल सरहदों पर चल, मेरे भाई अगर लड़ना है तो चल सरहदों पर चल, मेरे भाई से बड़ी मोहब्बतें मिली हैं, बड़े लोगों ने मुझे दाद दिया, सुनेगा दोस्तों मतलब। इसी गली में हमारा मकान है साहिब, मतलब जुबेर अली कादरी साहब, सावन शुक्ला साहब से, क्या बात है। इसी गली में हमारा मकान है साहिब, इसी गली में हमारा मकान है साहिब, छते नहीं है खुला आसमान है साहिब, छते नहीं है खुला आसमान है साहिब। और हमें दरिंदों की वहशत का डर भी रहता है, हमें दरिंदों की वहशत का डर भी रहता है, एक शख्स की दिक्कत हो, हमें दरिंदों की वहशत का डर भी रहता है, हमें दरिंदों की वहशत का डर भी रहता है, हमारे घर में भी बेटी जवान ऐसा है। हमें दरिंदों की वहशत का डर भी रहता है, हमारे घर में भी बेटी जवान है साहिब, छते नहीं है खुला आसमान है साहिब।
हूँ और ये शेर लिखा। कभी मिलो तो ये दिल चीर कर दिखाए तुम्हें, कभी मिलो तो ये दिल चीर कर दिखाए तुम्हें, कभी मिलो तो ये दिल चीर कर दिखाए तुम्हें, हमारे दिल में भी दूसरा ऐसा तारे है साहिब, छते नहीं है खुला आसमान है साहिब, मेरे वजूद में मिट्टी सी दयाल की है, मेरे वजूद में मिट्टी इसी दयाल की है, मेरे वजूद में मिट्टी इसी दयाल की है, मेरे वजूद में मिट्टी इसी दयाल की है, ये मुल्क मुल्क नहीं मेरी जान है साहिब, मेरी जान है साहिब, छते नहीं और उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा, थोड़ी देर होती है। गजल सुना दे कुछ नौजवान लोग, मेरे दादा नौजवान लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान भी हैं, तो जो अभी नौजवान हैं वो मौके को एंजॉय करें, जो भूतपूर्व नौजवान हैं वो अपने बीते दिनों की याद करें। सुनेगा तो सुन, तू धरती मैं तेरा बादल हो जाऊं, तेरा बादल हो जाओ, तू धरती मैं तेरा बादल हो जाऊं, तू धरती जहाँ तेरे इश्क में पागल हो जाऊं, जान जहाँ तेरे इश्क में पागल हो जाऊं, शिव काश मेरे दिल में आकर तू रहने लगे, काश मेरे दिल में तू आकर रहने लगे, मैं तेरी आंखों का काजल हो जाऊं, जान जहां तेरे इश्क में पागल हो जाऊं, और शिव लिपट रहूं मैं तेरे बदन से हर लम्हा, लिपट रहूं मैं तेरे बदन से हर लम्हा, सुनिए है
बहती हुई दरिया का ठहरा पानी अर्श राय बरेलवी साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे